हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नथिंग इम्पॉसिबल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी 2017 पेपर सॉल्व 20 से 30 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। हम लोग जो है ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जो पेपर आपका है नवंबर 2017 में ये पेपर हुआ था और हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। उसकी व्याख्या भी देखते हैं और उससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बन सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, उनको भी कवर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है और 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग जो है पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समय को थोड़ा भी जाया नहीं करेंगे। एक बात और कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूले, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो को तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है, अच्छे से टेक्स्ट को टाइप करना, फिर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करना, फिर अपलोड करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोग को, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए किसी भी हाल में, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं, आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आज का जो हमारा पहला है इसमें कि विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर यानी कि स्थिर बनाए रखने के लिए इन सभी ऑप्शनों में से कुल प्रजनन दर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रजनन दर इन चारों ऑप्शन में से होगा जिससे हमारी विश्व की जो है वर्तमान जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, यानी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2.1 का जो है प्रजनन दर रहना चाहिए जिससे हमारा विश्व का जो है जनसंख्या वो स्थिर बना रह सकता है। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जो है 2.1 यानी 2.1 प्रजनन दर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी जो हम लोग जनसंख्या भूगोल से जो भी डेटा हम लोग पढ़ते हैं ये 2011 यानी 2011 में जो जनगणना हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी कोई जनगणना ऐसी हुई नहीं है ऑफिशियल, तो हम लोग कोई भी जो आगे के जो भी डेटा है उसको नहीं याद करेंगे, ठीक है। जो 2011 में जो भी डेटा हमको मिला उसको याद रखना है, उसी से जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप देख लीजिए, जैसे कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के बीच में यानी हर 10 वर्षों पे जो है आपकी जनगणना कराई जाती है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है, यानी कि 10 सालों में जो है कुल जनसंख्या का जब निकाले तो 17.7% जो जनसंख्या बढ़ी थी 10 वर्षों में, ठीक है। जिसमें ग्रामीण जो जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या बढ़ी थी 12.3%, और जो बाकी जो बचा है इसमें परसेंटेज वो जो है आपकी नगरीय जनसंख्या का वृद्धि हुआ था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद इसमें है कि नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है आपका दमन एवं दीव की रही है, या दमन एवं दीव में हुई थी, 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पॉपुलेशन जियोग्राफी में जो है आपका जनगणना जो 2011 है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और भी जो इम्पॉर्टेंट आपके हैं जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जितने भी सिद्धांत हैं आपके यूनिट में, सारे यूनिट जितने भी है 10 यूनिट, सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम कवर किए जाते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ठीक है, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहे तो आप निसंकोच मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी अगले क्वेश्चन को। भारत की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना अपेक्षित है, यानी कि इसमें 4 ऐसे गुण दिए गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शहरी मतलब क्षेत्र कहलाने के लिए इनमें से कौन से गुण होना बहुत ही ज़रूरी है एक शहर के लिए, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 होगा, ठीक है। पहले तो आपका होगा कि जो है कोई भी जो आपका क्षेत्र है उसके पास एक नगरपालिका होने चाहिए,
यानी कि कोई स्थान जिसके पास नगर पालिका या निगम छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, ये होना जरूरी है एक आपका शहर कहलाने के लिए। और तो दूसरा आपका है एक सी, न्यूनतम जनसंख्या जो वहाँ की क्या होनी चाहिए, 5,000। अगर 5,000 से कम है तो हम उसको शहरी क्षेत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्र है आपका, वहाँ की जो पॉपुलेशन है 5,000 से ऊपर होनी चाहिए और उसके पास अपना एक नगर पालिका या नगर निगम होना बहुत ही आवश्यक है उसको शहर क्षेत्र कहलाने के लिए, ठीक है। तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा कि यही है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें यही बात आपको बताएंगे फिर से कि कोई भी जो स्थान आपका होता है उसके पास जो है नगर पालिका या नगर निगम होना आवश्यक है शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस क्षेत्र की 5,000 से ऊपर होनी चाहिए उसको शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए। तो ये दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है एक शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरी मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं इसमें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रेविस्टेन के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो रेविस्टेन ने जो अपना प्रवास का सिद्धांत दिया था उन सभी में से इनमें से कोई ऐसा है जो उनके सिद्धांत में शामिल नहीं है उसको हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं, ये रेविस्टेन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। बाकी सब राइट है आपका, सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, ये उनके सिद्धांत में शामिल है। दूसरा जो है सर्वाधिक प्रवासी कम दूरी के लिए प्रवास करते हैं, ये भी सही है। और जो लास्ट हमारा डी था, अधिकांश प्रवासी जो होते हैं वयस्क होते हैं, ये तीनों सही है, बट ये सी वाला जो है सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, इनमें से ये शामिल नहीं है इनके सिद्धांत में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेविस्टेन के प्रवास सिद्धांत में उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको। तो प्रवास संबंधी नियम का निर्धारण सर्वप्रथम रेविस्टेन द्वारा किया गया था। उन्होंने अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में जनसंख्या के प्रवास के अध्ययन के आधार पर अपने नियम का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित प्रवास नियम निम्न हुए, ठीक है। निम्न नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया था अपने प्रवास सिद्धांत में। पहला तो है उनका कि प्रवास एवं दूरी, ठीक है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक संचरण करते हैं। और दूसरा जो इनका था धारा एवं प्रतिधारा, इसके अंतर्गत बताया उन्होंने कि प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिधारा उत्पन्न करती है। और तीसरा जो इनका था ग्राम नगर विभेदन, इसके अंतर्गत जो उन्होंने बताया कि ग्रामीण लोगों की तुलना में जो है नगरीय लोगों में प्रवास की गणना कम होती है, यानी ग्रामीण लोगों की तुलना में जो नगर के लोग होते हैं वो प्रवास कम करते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जिसको मैंने बता दिया एक्सप्लेन करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट अगर हो इससे जुड़ी तो मुझसे पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी से जुड़े कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना के शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो इन सभी में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, यह एक प्रमुख शहर है आपका, पटना जो है राज्य है उसमें जो पटना सॉरी बिहार जो राज्य है उसमें पटना जो है एक शहर है आपका, प्रमुख सिटी है, ठीक है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल जो आपका राज्य है, कोलकाता एक उसका शहर है, प्रमुख शहर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है और बिहार की जो राजधानी है पटना है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख शहर है, आप इसको याद रखना, ठीक है। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बताता चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में जो है प्रमुख शहर है, यही बताया जा रहा है इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें कि किसी बृहद प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वहाँ का प्राथमिक नगर कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि समझ में आ जाए कि किसी बृहद प्रदेश, कोई बड़ा प्रदेश है और उसके अंदर जो सबसे बड़ा नगर होता है वहां का वो क्या कहलाता है, प्राथमिक नगर, ठीक है। जिसकी विशेषता विशालतम होने के कारण समूचे प्रदेश
को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी सिद्धांत प्रस्तुत किया था इसी के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी आपका प्राथमिक शहर होते हैं या प्राथमिक नगर होता है, वो क्या करता है, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कैपिटल होती है आपकी, किसी भी राज्य की कैपिटल होती है, वो क्या करता है, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें हमारा, उसको भी देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि केंद्रीय स्थान के क्रिस्टालर मॉडल के फोर सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत इंगित करता है, ठीक है। के फोर का पूछा जा रहा है, के फोर किसको इंडिकेटेड करता है या इंगित करता है चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन को जो है के फोर जो है आपके केंद्रीय स्थान के क्रिस्टालर का जो मॉडल है उसमें के फोर किसको इंगित करता है, परिवहन को, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आइए इससे जुड़ी और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्रिस्टालर के जो है केंद्र स्थल जो सिद्धांत है उससे जुड़े, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि केंद्रीय स्थान के क्रिस्टालर मॉडल में के फोर जो है आपका, के फोर किसको इंगित करता है, परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है। और जो आपका इसमें है के थ्री है आपका क्रिस्टालर के जो इस सिद्धांत में, के थ्री सिद्धांत जो है बाजार को जो है इंगित करता है, और के सेवन जो सिद्धांत है आपका प्रशासनिक सेवाओं को जो है इंगित करता है, ठीक है। और क्रिस्टालर महोदय ने यह सिद्धांत सर्वप्रथम जो है 1932 में अपना प्रस्तुत किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने फसल संयोजन विधि को विकसित किया था। तो ये विधि आपका है, फार्मूला है एक, मैंने इसमें टाइप नहीं किया है, टाइप कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइप में मिस्टेक्स हो गया, टाइप इसको कर नहीं पाया, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये फार्मूला क्या है आपका, तो सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, बटे में आपका यन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने कर्डी में सिग्मा डी बटे में यन फसल संयोजन विधि को विकसित किया था, इन चारों ऑप्शन में से यह बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेसी वीवर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने फसल संयोजन का जो है सिग्मा डी स्क्वायर बटे में यन जो है जो विधि या फार्मूला है विकसित किया था, तो जेसी वीवर ने, ठीक है। तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो जो आपका कर्णी में सिग्मा डी स्क्वायर बटे में यन जो फसल संयोजन विधि है वो जेसी वीवर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। तो फसल संयोजन के संबंध में जो है जेसी वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल वेस्ट यूएसए में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जिसे आपको समझ में आ जाए। तो जेसी वीवर ने जो है फसल संयोजन के संबंध में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल वेस्ट यूएसए में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया था। वीवर ने अपने सिद्धांत में प्रमाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जो है अपने क्वेरी डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट से जुड़े या फर्स्ट पेपर से जुड़े, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का, चाहे जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग में स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि कारण हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कपास एक शुद्ध सामग्री होता है जिसका वजन उसके तैयार उत्पाद के करीब करीब समान होता है, ठीक है। तो जो कपास होता है वो एक शुद्ध सामग्री होता है जिसका वजन जो होता है, जो कोई भी उत्पाद तैयार किया जाता है उसके तकरीबन बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बता देता हूं आपको। तो परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि कपास जो होता है आपका एक शुद्ध सामग्री होता है जिसका वजन क्या होता है, उसके तैयार उत्पाद जो होता है उसके बराबर होता है या इक्विवेलेंट होता है। और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे वस्तुएं बनने पर उसके वजन में कमी नहीं होगी, यानी कि शुद्ध पदार्थ वह होता है आपका जिनके मतलब जिनके द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है और जो पहली अवस्था में जो रहता है उनके वजन में क्या होती है, कोई कमी नहीं होती है। इस शब्द का प्रयोग जो है
जेसी वीवर ने अपने उद्योग अवस्थिति सिद्धांत में किया था, उनके द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्दों की व्याख्या जो है निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है, उसको भी मैं बता देता हूं। तो पहला जो है आपका सर्वत्रिक पदार्थ, इसका मतलब है कि जो सभी जगह उपलब्ध हो, यानी सर्वत्रिक पदार्थ का मतलब जो हर जगह उपलब्ध या जो हर जगह पाया जाता हो। और जो आपका दूसरा है इसमें कि स्थानीय पदार्थ, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसा पदार्थ जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है। और एक और इनका वर्ड था सकल पदार्थ, तो इसका मतलब है कि जिनके भार एवं आयतन में निर्माण के क्रम में कमी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनसे जुड़े इन्होंने जो ये तीन वर्ड यूज किए थे, सर्वाधिक पदार्थ, सर्वत्रिक पदार्थ जो था आपका, स्थानीय पदार्थ, सकल पदार्थ, इसके मीन्स मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया तो जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर लें, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप पूछा करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इन सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें द्वितीय कार्यकलाप के रूप में किसको वर्गीकृत किया जाता है उसको हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ई को जो है आपका द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों, आइए इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। बढ़ई जो आपका आता है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और एक पॉइंट और है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ आपको कि द्वितीय व्यवसाय में वह व्यवसाय आते हैं जिन्हें प्राथमिक व्यवसाय द्वारा उपलब्ध पदार्थों को प्रसंस्करण करने में प्रयुक्त होते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि द्वितीय व्यवसाय वे व्यवसाय हैं जिन्हें प्राथमिक व्यवसायों द्वारा उपलब्ध पदार्थों को प्रसंस्करण करने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका लोहा है, लोहा अयस्क को पीग आयरन में बदलना, यानी कि लोहा जो होता है आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, फिर इसको क्या करते हैं, इसको चेंज किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में नहीं होता है लोहा अयस्क जो है पीग आयरन में बदला जाता है। कपास से सूती वस्त्र तथा गन्ने से शक्कर का निर्माण किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने डाउट या क्वेरी पूछ लें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट जो है आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत आता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है उसको बताना है हमें चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नील घाटी का जो डेल्टा है, नील घाटी और डेल्टा जो है ये क्षेत्र जो है गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या और भी जो इससे जुड़े और भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। तो गहन निर्वाह धान कृषि के कुछ प्रमुख क्षेत्र होते हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण चीन और जापान है, और भारत का तटीय और डेल्टाई जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, गहन निर्वाह धान कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। और एक पॉइंट और मैं इसमें बता देता हूँ कि धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है तथा इसकी कृषि जो है मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये जो अगला प्रश्न हमारा होगा वो वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको मैंने आपको नहीं बताया उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें था आपका कि धान की कृषि के लिए जो है तापमान क्या होता है, 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो उचित होता है, तथा इसको वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, 125 से लेके 200 सेंटीमीटर के आसपास जो है पानी की आवश्यकता होती है। और इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है, इसकी मिट्टी की उपजाऊ जो है दोमट तथा जलोढ़ होती है, जो जिस मतलब मिट्टी में इसको बोया जाता है धान को वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, दोमट तथा जलोढ़। अगला जो इसमें पॉइंट है हमारा कि मानसूनी प्रदेशों की जलवायु धान की कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है या बहुत ही उपयुक्त होती है। तो ये कुछ तीन पॉइंट छूट रहे थे जिसको मैंने आपको नहीं बताया, तो उसको भी मैंने सोचा कि बता देना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, यानी कि 10वां क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है डिस्कस करते हैं, तो उस कड़ी में जो है ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें उसको मैं बताता हूँ आपको। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को स्वर्ण स्कॉलर, ठीक है, स्वर्ण स्कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है, ठीक है।
हमें बताना है कि स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में किसको विहित किया जाता है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, स्वर्ण स्कॉलर कर्मचारियों के रूप में विहित किया जाता है। तो इसके इससे जुड़े कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बता देता हूँ आपको। तो सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी समूह को स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है। अगला पॉइंट जो हमारा इसमें होगा कि स्वर्ण कॉलर व्यवसाय के अंतर्गत प्रबंधन, प्रशिक्षण, शोध, नियोजन, कानूनी सेवाओं आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें होगा कि प्राथमिक क्रिया में संलग्न व्यक्ति को रेड कॉलर वर्कर और द्वितीय क्रिया में संलग्न व्यक्ति को ब्लू कॉलर वर्कर और तृतीय क्रिया में जो संलग्न व्यक्ति को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताया और हम लोग 30 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। नवंबर 2017 में जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए थे आपके ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई सजेशन होगा कि वीडियो को और भी इम्प्रूव किया जा सके तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा उसको भी मुझे बताएं, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और वीडियो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है दूसरों के लिए तो इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे मित्रों के साथ। आपके लिए बहुत सारा हम लोग मेहनत करते हैं और बहुत सारा टाइम लगाते हैं तब जाके वीडियो को हम लोग तैयार कर पाते हैं, और जो है फर्स्ट पेपर के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही उसके भी वीडियो ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि इनसे जुड़े क्या होते हैं कि हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो एक्सप्लेन हो जाता है तो लगता है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो उसी प्रकार से हम लोग आपको कंप्लीट करा रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार का, ठीक है, तो उसको आप क्या करें, दबा लें, जो कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब कभी भी इस चैनल पर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो या न्यूज या सूचना कोई भी अपलोड होगी तो आपसे मिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.